रास्ते भर मुझे कंधों पे उठा कर लाए। अच्छा हाँ माँ, आ जाकर देखती तुम क्या जोश था सब। वाह वाह मेरा अच्छा बेटा। अरे वो तुम बिस्तर से क्यों उठ रही हो माँ, बोलो ना क्या करना है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं उठने दे मुझे। ओहो अच्छा माँ, तुमने भगवान से क्या कहा? कहती क्या, मैं तो रोज कहता हूँ पर भगवान मेरी सुनते ही नहीं। क्या? यही कहता हूँ कि भगवान हमारे सब दुख कष्ट दूर कर दो, मैं जल्दी से बड़ा होकर रोजगार करने लगूं, खूब रुपए कमाऊं और अपनी माँ को खुश कर दूं। तेरे रोजगार करने से ही मैं खुश हो जाऊंगी क्या? नहीं तो फिर मेरे क्या करने से तुम्हें खुशी होगी, बोलो माँ। चाहे जितना कठिन काम हो मैं करूंगा, बोलो ना। तू करेगा? क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। जानता है माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? क्या माँ? रुपया नहीं, पैसा नहीं, रोजगार नहीं। माँ तो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपने बेटे पर गर्व कर सके। जीजा माता और शिवाजी की मिसाल तेरे सामने है। पंडित नेहरू, नेताजी, इन सब की माओं की तरह मैं भी एक माँ कहलाऊं। ये सम्मान दिला सकेगा तू मुझे? बड़ा होकर ऐसे काम करेगा तू? जरूर करूंगा माँ, तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हारा ऐसा ही सपूत बनकर दिखाऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ आज तो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ माँ। अच्छा बेटा जा, तू अपनी पढ़ाई कर। माँ आज मैं बिल्कुल थक गया, आज आराम कर लूँ, कल सुबह पढ़। नहीं बेटा, पढ़ाई का हर्ज न कर। अभी तूने मुझे जो वचन दिया है उसकी पहली शर्त यही है कि तू पढ़ लिख कर सच्चा इंसान बने। जा बेटा जा, जा पढ़ाई कर। अच्छा माँ तुम ले जाओ। जानती हो माँ आज डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि दिल के रोगी को पूरे आराम की जरूरत है, ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। माँ तुम बिस्तर से बिल्कुल मत उठना, कोई काम मत करना, मैं आकर सब कर लूंगा। अच्छा बेटा जा, तेरे स्कूल जाने का समय हो गया। जा। मैंने बार्ली बनाकर रख दी है, वो पी लेना, ये दवा भी 2-2 घंटे के बाद पी लेना। अगर मैंने स्कूल से आकर देखा कि तुमने दवाई नहीं पी है तो। यहाँ है? अरे ये यहाँ है। बापू की कंपनी से अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई, वही एक चिट्ठी आई थी कि विचार कर रहे हैं, कितने दिन तो हो गए। और यहाँ सब लोग, वो लोग जरूर पैसे भेजेंगे बेटा, वो जानते ही हैं कंपनी का काम करते करते ही तेरे बापू की जान गई थी। तूने और एक चिट्ठी लिख दे, सारी बातें समझा कर लिख देना कि हम किस तरह यहां दिन गुजार रहे हैं। जो कुछ रुपए हमें मिलने हैं जल्दी भेज दे। अच्छा माँ। हाँ बेटा। तो मैं चलूं? जी बेटा। रुपए आए अभी तो नहीं है माता जी। हम कहते हैं
किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो। क्यों खाम खा बहाने बनाते? ये बहाना नहीं है माता जी, बस दो चार रोज मेरे पे। अरे दो चार दिन करते करते तो चार महीने बीत गए। परसों तक अगर किराया नहीं दिया तो बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझे? कल जो सवाल बताए थे वो किए हैं सबने? अच्छा, अरे ये सवाल किया है तुमने? क्या बोल रहे हो? कल ये शहीद हो गया सर, मैं भी चिल्लाते चिल्लाते इसका गला बैठ गया है। तुमने सवाल किया है? नहीं सर, मैं तो कल मैच खेल रहा था। बैठ जाओ विनोद। बैठ जाओ। तुम भी नहीं रामनाथ? सब जानता हूँ। क्यों रामनाथ, सवाल किया? जी सर। शाबाश, देखा खेल कूद कहीं पढ़ने से रोकता है? अच्छे लड़के दोनों में चमकते हैं, तुम लोगों का तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई। रामनाथ आओ ये सवाल करके बताओ सबको। रामनाथ तुमको हेडमास्टर साहब ने बुलाया है। हाँ तो देखो सर, आओ। फीस लाए हो? सर आज तो, आज तो आखिरी तारीख है, आज फीस नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। सर बस दो एक दिन में पिताजी की कंपनी से रुपए आ जाएंगे। कब आएंगे? यही कहते कहते चार महीने तो हो गए। दो दिन की मोहलत और दे दीजिए सर। नो 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 नो, रूल इज रूल। मुझे भी तो कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, कमेटी को जवाब देना पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर तो अब मैं पढ़ ना पाऊंगा? तो मैं क्या करूं, तुम जा सकते हो। क्या हुआ, क्या हुआ रामनाथ? कहाँ जा रहे हो रामनाथ, क्या बात है? सर चार महीने से स्कूल की फीस नहीं दे सका, इसलिए मेरा नाम कट गया। नाम कट गया? तुम्हारे जैसे मेहनती और तेज लड़के का नाम कट गया? हेडमास्टर साहब कुछ, उन्होंने कहा कि उन्हें भी कायदे के अनुसार चलना पड़ता है। रामनाथ हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आज स्कूल के रजिस्टर से भले ही तुम्हारा नाम कट जाए, लेकिन एक दिन सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। देख लेना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों, जवाब क्यों नहीं देता? क्या बात है रामू? फीस नहीं दी इसलिए मेरा नाम कट गया। इसलिए तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू। छी छी, रोया तो बुद्धिल करते हैं। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना रामू, तू क्यों रो रहा है? रोने से क्या होगा, इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। गरीब घर में जन्म लिया है तो तुझे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब मुसीबतें झेल कर ही तुझे आगे बढ़ना है। याद रख, जितनी ही बड़ी बाधा होगी उसे पार करने में उतना ही गौरव है। जरा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू फिक्र न कर बेटा, जैसे भी हो मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। माँ,
तुम लेट जाओ माँ, नहीं तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, तुम गिर पड़ोगी। चलो लेट जाओ। देख देख कंपनी से चिट्ठी आई होगी, पैसे आए होंगे। जा बेटा जा देख। अच्छा माँ तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ। हमें रुपए नहीं मिलेंगे माँ, लिखा है बाबू की मौत के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं? बेईमान, जिनके लिए वो अपनी जान दे गए वही कहते हम जिम्मेदार नहीं। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। जो अन्याय करता है और जो अन्याय बर्दाश्त करता है दोनों बराबर है। मैं उनके पास इंसाफ की मांग करूंगी। मैं जाऊंगी, मैं तुम गिर पड़ोगी माँ, तुम गिर पड़ोगी।